वाराणसी में 61 घंटों से बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इससे शहर में अराजकता का माहौल हो गया है। अब हालात ये है कि जनता आपस में ही मशक्कत और संघर्ष करने को मजबूर हो गई है। पानी और मोबाइल चार्जिंग को तरस रहे लोग अब सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रही है। स्थानीय लोग यात्रियों और राहगीरों का रास्ता रोक रहे हैं। वाराणसी में आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं बिजली न होने से अब ई रिक्शा भी सड़कों से गायब हो गए हैं। ई रिक्शा चार्ज नहीं हो पा रही है, जहां तहां खड़े दिखाई दे रही है। हालांकि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो फिलहाल चल रही है। वाराणसी में जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक बदहाल हो गया है। 80 स्थित बदैनी उपकेंद्र के सामने लोगों ने चक्का जाम किया है। 80 गोंदलिया मार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं आदमपुर में पानी की कमी से जूझ रही महिलाओं ने सड़कों पर आवागमन रोक दिया है। स्थानीय लोगों में गुस्सा काफी है। बिजली और पानी संकट के अलावा होटल, लॉज और गेस्ट हाउस वाले पूरे टाइम बड़े बड़े जनरेटर चला रहे हैं।